दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे जानवर लेकर आया हूँ जो लोगों को बर्फ के नीचे दफन मिले, जिन्होंने भी इन्हें अपनी आंखों से देखा वो सभी चौंक गए। एलियन। एक एलियन को असल में कुछ रशियन ग्रुप के द्वारा खोजा गया जब वो जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। बताया जाता है कि जब ये एलियन उन्हें मिला तो उसका एक पैर नहीं था। कई लोगों का मानना है कि जिस जगह पर ये एलियन मिला वहाँ पहले भी कई बार यूएफओ देखा जा चुका है। डायनासोर। वैज्ञानिकों के द्वारा आइसलैंड की जमी हुई बर्फ के नीचे इन अनोखे डायनासोर के अवशेषों को खोजा गया, जो कि असल में 2 प्लांटिटर डायनासोर का पेड़ था जिसका साइज करीबन 10 से 30 फीट के करीब था, जो कि उस समय पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा 3D प्रिंटर की मदद से इस डायनासोर के स्ट्रक्चर को बनाया गया, जो कि आज भी डेनमार्क के एक म्यूजियम में मौजूद है। बिसन। इस बिसन को 1969 में एक गोल्ड माइनिंग करने वाली फैमिली के द्वारा खोजा गया, जो कि आइस एज के समय से यहाँ बर्फ में दबा हुआ है। हजारों साल पुराने इस बिसन के शरीर के काफी सारे टुकड़े हो चुके थे, जिनको जोड़ने के बाद पता चला कि ये करीबन 36,000 सालों से यहाँ दफन था, जो कि असल में एक लोयन के अटैक से मारा गया। एलियन एग। 2015 में जब दो दोस्त एक जमी हुई रिवर के किनारे वॉक कर रहे थे, तभी उनका ध्यान रिवर के बीच मौजूद एक अजीब से स्ट्रक्चर पर पड़ता है, जो लोगों को देखने पर यूएफओ शिप का लैंडिंग स्पॉट लग रहा था। तो वहीं कई लोगों ने इसे पानी में जमे हुए अंडों का नाम दिया, जो कि पूरी तरह से जम चुके थे। पिथोवायरस साइबेरिकम। साइबेरिया में खोजा गया ये वायरस असल में जमीन से करीबन 100 फीट नीचे मौजूद था। वैसे तो ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं थे, लेकिन इनका इतने सालों तक बर्फ में जमे रहने के बाद भी जिंदा रहना इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बना देता है, जिसके बाद इनसे जुड़ी काफी सारी जानकारी को खोजा गया। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।